हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड किंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए इंस्टाग्राम पे वायरल वीडियो पोहा की नमकीन। तो ये मैंने पोहा ले लिया है, और ये मैंने काजू ले लिया है, और ये मूंगफली ले लिया है, कड़ी पत्ता और हरा मिर्च। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं पोहा की नमकीन एकदम मार्केट जैसी। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई को रख दिया है, उसमें हमने डाल दिया रिफाइन ऑयल। और ये अगर आपके पास इस तरह की छन्नी होगी तो आप इस तरह की छन्नी यूज़ करिएगा, वरना आप डायरेक्ट तेल में डाल के छान सकते हैं। तो हम इस तरह छन्नी को तेल में डाल देंगे और उसमें हम डालेंगे पोहा। तो ये देखिए, ये हो जा रहा है ना कुछ इस तरह। तो इस तरह हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम डाल देंगे और इस तरह हम छान छान के पोहा निकाल लेंगे। फिर से इसी तरह हम डालेंगे और इसी तरह सारा पोहा हम छान लेंगे। और इसी तरह हम मूंगफली को भी फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह हम मूंगफली को भी फ्राई करके निकाल लेंगे एक बड़े से थाली में। उसे हम उसमें जिसमें पोहा रख रहे थे उसी में हम इसे मूंगफली को भी रख देंगे। अच्छे से इसे घुमा घुमा के तेल इसका निकाल लेंगे और इस तरह हम पोहे में इसे डाल देंगे। इसी तरह हम काजू को भी फ्राई कर लेंगे, इस तरह घुमा घुमा के अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, काजू भी मेरा फ्राई हो गया है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। अब गैस को हम एकदम बंद कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मिर्चा, कड़ी पत्ता। डालने के बाद इसे हम ऐसे डालेंगे और निकालेंगे। तो ये देखिए, मेरा मिर्चा और कड़ी पत्ता भी फ्राई हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। और ये सब डालने के बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा चटपटा होने के लिए। और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा कलर लाने के लिए। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आप काला नमक भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, 2 चम्मच चाट मसाला डाल दिया मैंने। अब हाथों की मदद से इसे हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा गर्म ही है। तो आप लोग देख सकते हैं ये नमकीन मेरा बन गया है। इसे हम एक प्लेट में या एक कंटेनर में हम इसे रख देंगे। तो ये देखिए, मेरा पोहा वाला नमकीन एकदम बन के तैयार है। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।